हे गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूं मोहम्मद असद। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। ये क्वालिटी है, स्टेट है और एक्शन है। इसकी जो बहुत ही जो आसान मिसाल मैंने दी है, वी कांट सी एंड टच देम, हम इसको देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। एंड वी कांट स्मेल एंड हेयर देम, हम इसको सूंघ भी नहीं सकते और ना ही इसको सुन सकते हैं। वी कांट बी टेस्ट देम, ना ही हम इसे चख सकते हैं। वी कैन बी ओनली कॉन्सेप्शन, हम इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि इसका जो ख्याल में कि ये जो इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाया जा सकता है। हम इसकी मजीद जो है वो मिसालें यहाँ पे पढ़ते हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज, ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज जो है यहाँ पे हमारा क्या है, वो हमारा ये नॉलेज जो हमारा यहाँ पे आया है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी स्पीक द ट्रुथ, हम ट्रुथ को ना तो छू सकते हैं, ना जग सकते हैं और ना ही उसे हम सुन सकते हैं। अगर हम इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि उसको हम सुन रहे हैं, उस वो बोल रहा है, वो ट्रुथ वो सुनना नहीं है। यहाँ पे हमारा सुनना उसको देखना है, उसको वो ट्रुथ कहाँ है, ट्रुथ हमारा नज़र तो नहीं आ रहा। और इसी तरीके से जो हमारे जो है वो इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं यहाँ से। अली वाज फीलिंग हेडेक यस्टरडे, तो हेडेक हमारा नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से टूथिक है, दांत का दर्द, बैटिक है, कमर का दर्द, फुटिक है, पैर का दर्द, कॉलिक है, हमारे जो मेदे में दर्द हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है वो इसकी मिसाल जो है अपने जहन में सेट कर सकते हैं। एवरी पर्सन शुड गेट फ्रीडम, आज़ादी। अब फ्रीडम जो है वो नज़र नहीं आ रही, हम इसको ना तो चख सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही हम इसको जो है वो सुन सकते हैं। सिर्फ जो है वो हम इसका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मैंने बिल्कुल जो है वो खुल के मिसाल दी है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।